सुरेंद्र दुबे जी से निवेदन करता हूं कि वे मंच संचालन और आगे की कार्यक्रम प्रारंभ करें। आदरणीय श्री दुबे जी। में जाता है तो भगवान को कम जूतों पे ज्यादा नजर रखता है। आज आप हमारे बीच हैं, बहुत बढ़िया है। बहुत कम कवि हैं लेकिन हम आपका मन लगाने की कोशिश करेंगे। सुबह से साहित्य की गोष्ठी चल रही है और इस माहौल में छत्तीसगढ़ी के बाद अभी हमर पंडित जी करत रहे हैं अध्यक्ष जी के कलेक्टर को भी छत्तीसगढ़ी बोलना चाहिए सरगुजा में। अब सरगुजा के कलेक्टर आर प्रसन्ना तमिलनाडु के, मोर कविता लसुनी सब हंसी। तो मैं बोले आप छत्तीसगढ़ी समझते हैं? बोले मैं नहीं समझते हैं। तो काहे हंस रहे हैं? बोले मैं थोड़ी हंस रहे हैं, जब सब हंसते हैं तब मैं हंसते हैं। तो भाषा का संकट है। तो प्रसन्ना जी से छत्तीसगढ़ी बोलवाना बड़ा कठिन है। वो जो बोल रहे हैं वही ठीक ठाक बोले तो बढ़िया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अतका प्रगति आए है, अतका प्रगति आए है कि आदमी भैंसी में चखे है वो हेलमेट लगाए। इतना डेवलपमेंट छत्तीसगढ़ में, इतना प्रगति आए है कि आदमी भैंसी में चखे वो हेलमेट लगाए। पुलिस वाले रोक दिस, काए कावर रोकत हस, लगाए तो हाँ। अरे हमला कानून झन सिखा, भैंसी फोर व्हीलर है बे, लाइसेंस दिखा। ये स्थिति चला थी बार बार। अभी जब कृष्णमोहन पाठक कविता पढ़ रहे थे, यहाँ संचालन कर रहे थे, बोले ताली बजाना चाहिए, ये करना चाहिए। मैं बंबई में कवि सम्मेलन कर रहा था, लोग कोई ताली ना बजाए। मैं बोले यार आप लोग ताली नहीं बजाते हैं? बोले हम क्यों बजाएं, अमीर हैं, आदमी रखे हैं पीछे, वो बजाएंगे। मैं क्या, तुम लोग हंसते भी नहीं? बोले हम क्यों हंसे, अमीर है आदमी रखे हैं पीछे हंसने के लिए, वो हंसेंगे। दो साल बाद उसकी शादी हो गई। मैंने कहा अब भी है कि आदमी रखे हैं? अंबिकापुर वालों, इतने पैसे वाले कभी मत बनना कि हंसने और ताली बजाने के लिए आदमी रखने की जरूरत पड़े। बहुत बढ़िया है। मुस्कुराती जिंदगानी चाहिए, प्यार में ऐसी रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए। कविता दो तरह दीजिए का मतलब नहीं है कि दूधो नहाओ पूतो पलो जात पतरा, आशीर्वाद का मतलब की है ताली बजाओ, फाइनली वही है। आइए। अच्छा क्या है, गरुड़ पुराण के 17वें अध्याय में लिखा है, जो व्यक्ति कवि की कविता सुनकर ताली नहीं बजाता है उसको अगले जन्म घर घर जाके बजानी पड़ती है। अब आज आप डिसाइड कर लो इसी जन्म में बजाना है कि अगले जन्म में घर घर जाके और ढोलक लटका के बजाना है। ये कविता है और दो तरफा कार्यक्रम है। कुंवर विजयन जी ने कहीं लिखा है कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पैसे चल रहे हैं लोग, मगर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। आप दूसरे पैर हैं, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद यहाँ सब कुछ एक गुरु जी कक्षा पढ़ा सके से भूगोल बोले गंगा अंबिकापुर से निकल के सूरजपुर में गिर गया। मैं बोला गुरु जी गलत पढ़ाते हैं। गुरु जी बोले शिक्षा करनी है, अभी तक कम तनख्वाह मिलती थी। गंगा अंबिकापुर से निकलती थी सूरजपुर में गिरती थी, 20,000 रुपया तनख्वाह तो गंगा हिमालय से निकलेगी, बंगाल के खाड़ी में गिरेगी, ये तो गंगा अंबिकापुर में रहेगी, कहीं नहीं जाएगी। जबरदस्त डेवलपमेंट है छत्तीसगढ़ में। अभी करीना कपूर आई थी राज्योत्सव में, भाई अनुराग सिंह जी मैं देखा था वहां। मतलब करीना कपूर के पास नहीं देखा था, देखा था डायरेक्ट आपको दूसरा मोड देते। एक आ गए छत्तीसगढ़ के आदमी, मैं नोडल अधिकारी संस्कृति के, पुलिस के दुबे भी थोड़ा करीना कपूर से मिलाते थे। मैं कह तो उम्र देख 75 साल मुक्ति धाम जाए की उम्र है, करीना कपूर से मिलके क्या करते? बोलो नरक में भी जगह नहीं मिली, कम से कम पास से देख लेते हो, बड़ा मन है। मैं बोले संभव नहीं है। तो बोले एक काम कर, करीना कपूर को बता देना कि समय दास आए रही है। ये छत्तीसगढ़िया के कॉन्फिडेंस, जबरदस्त कॉन्फिडेंस। कैसे तो लड़का तोतरा थे का नहीं, हमेशा नहीं तोतरा है, बोलते तब तोतरा।
कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बनता है। वो एक छत्तीसगढ़िया विदेश की दिल्ली गई, वहां से एक चीनी लड़की से शादी करके आए। अब चीनी लड़की जानता हूं बिल्कुल स्मॉल साइज, अपन बाप खुशी होकर कौन है रे इसे देख, तो ये तो बहू ने कहा इसे इसका सेकेंड पीस कहाँ है, लान तो देखा रामायण बुद्ध का सही, इसने कहा ये पूरा सही हो है, फुल साइज है। इतना छोटे ही थी तालाब में नहाई, तीन दिन बाद लड़की मर गई और कठर कठर के रोए टूरा। तो कर बाप बोली रो मत बेटा, मेड इन चाइना माल ज्यादा दिन नहीं टिकता। ब्राह्मण को माइक में खड़े कर दो और मुख्य अतिथि को खाए। मतलब पहले जमाना